जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विशाल राव पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से, तो नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ हो गया है। अब देखते हैं आज का मौसम कैसा है, क्या है, दिखाते हैं आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे साथ, और जो लोग नए मेरे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बने रहिए मेरे साथ। भाई मौसम की आज बात की जाए तो सूर्यदेव जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मौसम पूरा साफ है, नीला नीला आसमान देख सकते हैं आप लोग, बादल भी है हल्के फुल्के। और इधर देख सकते हैं आप यहाँ का नजारा, तो अभी हम आए हुए हैं रामलीला मंच देवलधार पे छोटे से इस ग्राउंड में। तो यहाँ पे हमारे गांव की मिनी आंगनबाड़ी भी है, यहाँ बच्चे लोग, आज है बदन दिवस ना आप ली है कामला, हेलो हाय हाय कर भाई ओमी, ये है ओमी, चलो बैठ अब बैठ, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ, ये है सिद्धि, हेलो सिद्धि, चलो हेलो, चलो, ये है महक और ये है तनु, हेलो कर, और ये है अर्चित, हेलो कर, अर्चित हेलो कर, हेलो कर, बस मनाया जा रहा है, ये है ओमी, ओमी विष्ट। कितना है इसका वजन? इसका है 16 किलो। अरे हिल के ना रहे, आया किल चुकी आ रहा, ग्यारह ग्यारह किलो। एक गाड़ी चल रही है, अलग ही गाड़ी चल रही है। तो अब है अर्चित बिष्ट की बारी और ये है 11 किलो 300 ग्राम। बूढ़े भैया मारका था बाबा बियो का बाकन वो पढ़ चो गुड़ सो का नाश ही है उगरल मिलो उन सब गोड़ बेचिल मैंने नहीं उगरा सब गोड़ बेचिल मैंने ये बा केदार आरु नहीं गए बा नहीं सो गोड़ बेचिल गोबजान केदार।
अंशु क्या कर रहा? आइसक्रीम नहीं खाते यार। बहुत गर्म हो रहा ना, बहुत गर्मी हो रही ना। इमोजी वाह अलग अलग। यहाँ पे अंशु आइसक्रीम का मजा ले रहा है। अंशु कितने की दी उसने तेरे को ये? 10 रुपए की? 10 रुपए की दी कि 10 रुपए की दी? लुपाए भूली के लिए नहीं लाए तू? चल यार खाना बनाते हैं। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 1 और ये बन गया है भात और इस पे बनाएंगे दाल। तो इस पे बन रही है चाय क्योंकि माँ का खेत से आने का टाइम हो चुका है और पहाड़ की जो भी महिलाएं हैं उनको जब भी खेतों से घर आते हैं तो चाहे दिन हो सुबह हो शाम हो रात हो तो चाय चाहिए ही चाहिए, हर टाइम पे चाय चाहिए ही चाहिए। तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि इससे थकान मिटती है। तो अपना अपना सबका खान पान है। तो अब माँ का आने का टाइम भी हो चुका है, तब तक बने रहिए मेरे साथ। हो गया है बारिश का मौसम, 2 बजने वाले हैं लगभग और बारिश का फिर से आगमन हो चुका है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है घूमने के लिए। ओ सिद्धि ये है गंदी लड़की। गंदी लड़की है तो ये होगा नहीं ये। तो दोस्तों यहाँ पे शाम का टाइम है और हमारे कुणाल रावत और पारस रावत के बीच कृष्णा और यहाँ पे रेफरी कमलेश डिमरी हट जाओ यहाँ पे दोनों के बीच। अभी नहीं हुआ जा मैं बोल गया 1-2-3 तब करना भाई। हाँ सीधा रखो भाई इससे कहो ना ए तब तक तू उनका हाथ दोनों पकड़ के रख। अरे मेरे ये की पकड़ ली। चल चीटिंग नहीं सीधा देख अभी सीधा नहीं है ईमानदारी से। अरे मैं जीते वीडियो ऑन थी ना सब कुछ ऑन था भाई। चल भाई 1-2-3 और दोनों के बीच काफी लेकिन हाथ छूटता हुआ तगड़ा मैच चलता हुआ। बस चोट वगैरह मन लगाना अपने आप को जोर लगाने के चक्कर में। और यहाँ पे पारस और कृष्णा के बीच काफी सुंदर मैच चलता हुआ। एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए पारस और कृष्णा और अंतिम क्षण में कृष्णा विनर हो चुके हैं। एक बार फिर से चैलेंज किया है। किस पे डालोगे इस पे नाम पे चल पहले थोड़ी देर वो लगाओ ना जोर लगाओ उसके बाद मजा आएगा भाई। एक राउंड कृष्णा जीत चुके हैं, 1 राउंड पारस। तो क्या कहना चाहोगे आप अपनी जीत पे? दोस्तों
सूर्यास्त का टाइम भी हो चुका है और लाइट भी नहीं है, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।